नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में थोड़े बदलाव किए। राजनाथ सिंह को जहां रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, वहीं इस बार अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। अमित शाह ने गृह मंत्री का पदभार संभालते ही कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें से एक था जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर देना। 5 अगस्त 2019 को लोकसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद को हटाने का ऐलान किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। जी हाँ, ये वो भाषण है जो गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में बोला था, जिसके साथ ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे की शुरुआत हुई। ये भारतीय संविधान का वही अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करवाता था। अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाने लगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कोशिश थी जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने की। मोदी सरकार के इस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया, जगह जगह जश्न का माहौल देखने को मिला। लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर एनडीए की सभी दलों में एक राय नहीं थी। ये ऐसा नीतिगत फैसला था जिसको लेकर एनडीए के घटक दलों की राय अलग अलग थी, लेकिन बहुमत के बूते मोदी सरकार इस फैसले पर अडिग रही और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा हो गया। धारा 370 हटे अब एक साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए। बीजेपी ने प्रदेश भर में धारा 370 को हटाए जाने को लेकर 15 दिन के पखवाड़े का भी आयोजन करने का ऐलान किया। प्रदेश बीजेपी के मुताबिक 5 अगस्त से 20 अगस्त तक पार्टी जम्मू कश्मीर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। हालांकि इन आयोजनों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घोषित प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जाएगा। इस संदर्भ में बीजेपी ने जम्मू शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। इन सब के बीच जिला प्रशासन को सूचना मिली कि कुछ अलगाववादी संगठन 5 अगस्त को ब्लैक डे बनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके चलते जिले में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। धारा 370 हटाने के बाद सरकार को डर था कि कुछ अलगाववादी नेता घाटी में तनाव का माहौल पैदा कर सकते हैं, जिसके जरिए घाटी में लोगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसके अलावा घाटी से इंटरनेट सेवाएं कुछ महीनों के लिए बंद कर दी गईं। धारा 370 हटाने के एक साल बाद जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदला है, अब जरा ये भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 370 पर फैसला लेने से पहले सरकार ने जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अलगाववादी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। सरकार को डर था कि अलगाववादी नेता उकसाने वाला बयान देकर राज्य में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। इसके पहले घाटी में बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। इस फैसले के कुछ समय बाद जहां पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया गया, तो वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी 3 महीने और बढ़ा दी गई थी। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की अकेली ऐसी बड़ी नेता है जिन्हें अभी तक नजरबंद रखा गया है।
धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए कुछ बदलावों पर अगर नजर दौड़ाएं तो 5 अगस्त 2019 को राज्य से धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। धारा 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में 73% की कमी आई। पत्थरबाजी के अलावा घाटी में आपराधिक वारदातों में भी कमी देखने को मिली। पिछले साल 223 के मुकाबले इस साल 78 वारदातें ही हुई। धारा 370 हटने से आतंकवाद को भी लगाम लगाने में मदद मिली। पिछले साल की तुलना में इस साल आतंकी घटनाओं में 36% की कमी देखने को मिली। धारा 370 को हटाने के फैसले को लेकर अब भी कई नेता मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर को जहां मुख्य धारा से जोड़ा गया तो वहीं लद्दाख भी अब धीरे धीरे विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा इसके हटने के साथ ही घाटी में पनप रहे आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों पर भी रोक लगाने में सफलता हासिल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।